कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए तेवर से पार्टी के कुछ नेता खुश नहीं हैं। उनके वीडियोस और मोदी सरकार पर हमले से ये नेता नाराज हैं, लेकिन गांधी परिवार के प्रति वफादारी के कारण खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी के इस रवैये से कांग्रेस पर एक नई मुसीबत टूटती दिखाई दे रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर तो पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिरी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जंग छिड़ गई। फिर राजस्थान में भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी होने के बाद कांग्रेस की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और अब राहुल गांधी के नए तेवरों को लेकर कांग्रेस में ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। गांधी परिवार के प्रति वफादारी के चलते कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं, मगर दबी जुबान में चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें वे लगातार चीन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। पार्टी में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो राहुल के अप्रोच पर सवाल उठा रहे हैं, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी उन्हें बेकार समझते हैं। तो सवाल है कि आखिर ये कांग्रेसी ऐसा क्यों समझ रहे हैं? इन वीडियोस को लेकर राहुल किससे सलाह मशवरा करते हैं? 27 जुलाई 2020 को ट्विटर पर राहुल गांधी ने फिर एक वीडियो जारी किया। इसमें उनसे सवाल किया जाता है कि उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर आपके सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता ये देश और जनता है। राहुल ने कहा, ये बात एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। ये बात मुझे परेशान करती है, इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। राहुल आगे कहते हैं, आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं, जबकि मैं निश्चित रूप से जान गया हूं। मैंने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैन्य कर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में नहीं घुसे हैं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। स्पष्ट कह दूं कि ऐसे नहीं करने वाला हूं। मैं चिंता नहीं करता, चाहे मेरा करियर डूब जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं सोचता हूं कि वे लोग जो चीनियों के हमारे देश में घुसने के बारे में झूठ बोल रहे हैं, वे ही लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। मेरे ख्याल में जो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी भारत में नहीं घुसे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो देशभक्त नहीं हैं। अब राहुल गांधी जिस तरह की वीडियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके बाद पार्टी के भीतर भी इस बात की चिंताएं तेज हो गई हैं कि आखिर वो इन वीडियोस का सलाह मशवरा किससे करते हैं। राहुल गांधी अपने ही पार्टी के लोगों को क्या समझते हैं, इसका भी खुलासा खुद उन्हीं की पार्टी के लोगों ने किया है। हाल में जारी किए गए राहुल के वीडियोस के बाद उनके इस रुख को लेकर उनकी अपनी पार्टी के ही एक ग्रुप में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आलोचकों के इस ग्रुप के एक मेंबर ने कहा, वे हमसे बात नहीं करते हैं और हमें नहीं पता कि कौन उन्हें सलाह दे रहा है। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस ने दो बड़े राजनीतिक संकट में इतनी सुस्ती दिखाई कि अब पार्टी के भीतर ये बहस चलने लगी कि क्या गांधी परिवार जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने दे रहा है। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की अलग अलग टीमें उन्हें अलग दिशा में ले जा रही है। टीम सोनिया तो यहाँ तक कह रही है कि वह सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से पहले समझने की कोशिश करती हैं, नेताओं से बात करती हैं और एक राय बनाती हैं। लेकिन जब बात राहुल गांधी की आई और पूछा गया कि उनके बेटे अलग रास्ते पर क्यों चलते हैं, तो नेता कहते हैं कि वे शायद सोचते हैं कि हम बेकार लोग हैं और उनके सलाहकार सबसे अच्छा जानते हैं। ऐसे में पार्टी के लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि अध्यक्ष पद छोड़ने के बावजूद राहुल गांधी उस ताकत का इस्तेमाल बिना किसी जिम्मेदारी के कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी की नई वीडियो सीरीज से खुश नहीं हैं। इन नेताओं को भी लगता है कि राहुल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेवजह हमले कर रहे हैं। ऐसे में अब फिर कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। इस मामले में भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव भी राहुल गांधी को लताड़ चुके हैं और राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के लोग अब बता रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से उनकी मनमानी कर रहे हैं और बिना किसी सलाह मशवरा के ये वीडियो पॉलिटिक्स करने में लगे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी के रुख से ही कांग्रेसी नाराज हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।